भैया आधा किलो टमाटर देना। सब्जी किसमें दूं? अरे कैरी बैग नहीं है क्या? कैरी बैग तो बंद हो चुके हैं। अरे तो फिर मैं क्या करूं? अरे पेपर बैग में लो, तुझे क्या फर्क पड़ता है पेपर हो या प्लास्टिक। अरे 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 ये क्या, ये तो पूरा नुकसान हो गया मेरा। हाँ वो सब्जी थोड़ी गीली थी ना। आधा किलो टमाटर और पालक देना। अरे कैरी बैग नहीं है क्या? कैरी बैग तो बंद हो चुकी है, पेपर बैग में दूं? अभी तो देखा ना कैसे पेपर बैग फट गई, कितना नुकसान हो गया। पालक तो गीला है, पेपर बैग जरूर फट जाएगा। तो आपको कपड़े का बैग लाना था ना साथ में। देखो मैं ऑफिस से आया हूँ, सब्जी लेकर घर जा रहा हूँ, कपड़े का बैग इतना भारी और मोटा ऑफिस कैसे ले जाऊं? भैया आधा किलो टमाटर, पालक और आधा किलो गवार देना। हाँ बहन जी ये लो। सब्जी किसमें दूं? एक मिनट, इसमें दो। अरे क्या बहन जी, प्लास्टिक की बैग तो बंद हो चुकी है। ये 100 माइक्रोन की है, फटेगी नहीं और पूरा वजन लेगी। घबराओ मत, ये मैं फेंक नहीं देती। घर जाके सब्जी निकालकर इसे वापस अच्छी तरह सुखाकर पर्स में रखती हूँ। मैंने इसे 20 बार इस्तेमाल किया है। पेपर इस्तेमाल करने से पर्यावरण बिगड़ जाएगा। आपको पता है 1 टन पेपर के लिए 1 एकड़ जमीन के पेड़ काटने पड़ते हैं और उतने पेड़ दोबारा बड़े होने को कई साल लग जाते हैं। पेपर बनाते समय प्लास्टिक की तुलना में 70% ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। पानी भी 50 गुना ज्यादा लगता है। पेपर बनाते समय उसमें कई विषारी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। और प्लास्टिक को रीयूज और रिसाइकल करना भी तो कितना आसान है। कुछ घंटे में 1 टन प्लास्टिक रिसाइकल कर सकते हैं। पेपर को रिसाइकल करने के लिए ज्यादा समय, ज्यादा पानी और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। अभी जो प्लास्टिक की समस्या खड़ी हुई है वो सिर्फ प्लास्टिक इधर उधर फेंकने से हुई है। प्लास्टिक का दोष नहीं पर फेंकने वाले आदमी का है। इसलिए यूज करो, रीयूज करो और रिसाइकल करो। हाँ ये सही है, इसे कैसे ना कहेंगे।